इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी इमेजेस का HD क्वालिटी में बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं या कैसे करेंगे। तो आप बिना वाटर मार्क के, जैसे कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आप अगर किसी का बैकग्राउंड चेंज करते हैं वीडियो का या क्या कहते हैं फ़ोटो का, तो उसमें वाटर मार्क देखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे बिना वाटर मार्क के। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू वीडियो बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाएं। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बात करें तो आप यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब चैनल पर हमने पूरी कंप्लीट सीरीज या पूरी वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर वीडियो देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको उन सीरीज में कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी या कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर या गूगल किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे मैं अपना कर लेता हूँ गूगल ब्राउजर ओपन। यहाँ पर आपको VG रिमूवेबल लिख के सर्च करना है और उसके सर्च पर क्लिक करेंगे आप समय नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करना है और इस लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपलोड इमेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपका डायरेक्ट गैलरी में ओपन हो जाएगा। आपके जहाँ पर भी इमेजेस हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी भी इमेज का चेंज करना चाहते हैं। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लेगा, अपलोडिंग होगा, थोड़ा 2 या 3 सेकंड का वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा और प्रोसेस लेगा। 2 या 3 सेकंड का प्रोसेस लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको फोटो अपलोड करके उसे चेंज कर देना, ऑटोमेटिक चेंज कर देता है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसमें और भी चेंजेस करने तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है HD में और फुल HD में, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। HD में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। HD में डाउनलोड करने के लिए फुल HD में, तो यहाँ पर देखो डाउनलोड HD पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके समय नया इंटरफेस ओपन होगा। नया इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आपको किसी भी एक ईमेल आईडी से इसे लॉगिन करना होगा और आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा गैलरी में। सेकंड स्टेप की बात कर देते हैं हम। अगर सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में चेंज कैसे करते हैं, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, बैकग्राउंड रिमूवर। ये प्ले स्टोर मिल जाएगा। यहाँ पर लेयर वाले पर क्लिक करेंगे इस फोटो पर। यहाँ से वही प्रोसेस है, अपने फोटो को किसी को एक फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी फोटो आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका कॉर्नर पर आपको डन का ऑप्शन दिखाई देगा, डन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस होगा। नीचे कई सारे टूल्स दिखाई देंगे। अगर आपको चेंज करना है फुल एक बार में, तो नीचे से आप 115 फुल कर लेंगे। क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, क्रॉप पर क्लिक करके एरो लेकर आएंगे और आपको अपना फोटो क्लिक बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसलिए मैं आपको जिसमें जल्दी से बता रहा हूँ। अगर आप आराम से स्लोली अपना बैकग्राउंड चेंज करिए और एक HD फोटो एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक डेमो वीडियो है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, फोटो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डन पर क्लिक कर देंगे। उसका सेव पर क्लिक आएगा, सेव देखिए फोटो सेव होने लगा गैलरी में। उसका फिनिश पर क्लिक करके आपका फोटो गैलरी में ऑलरेडी सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बैकग्राउंड चेंज करने की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इमेजेस का बैकग्राउंड या फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका आपको दोनों काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर मैं ऑफिशियली बात करूँ तो मैं सीधे ऑनलाइन करता हूँ VG रिमूवर से, क्योंकि मैंने आपको दोनों ही पार्ट बता दिए थे। तो आप हमें कमेंट कर देना कि आपको कौन सा पार्ट काफ़ी बेस्ट लगा। ये डेमो वीडियो थी, तो इस तरीके से ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। आप आराम से स्लोली से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करके अपलोड कर दीजिए, थंबनेल बनाइए। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करेंगे जरूर कमेंट कर देना। उससे पहले हम बात करें कि हमारा फर्स्ट पेमेंट वाला ब्लॉग जल्दी आने वाला है, क्योंकि हमारे एडसन अकाउंट में $100 कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ जरूर वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।